बुरहानपुर के सेवा सदन कॉलेज में आज उस समय हड़कंप मच गया जब छात्राओं के कॉमन रूम में बुरखा पहनकर एक बाहरी संदिग्ध युवक ने प्रवेश कर लिया। जैसे ही वह युवक छात्रों के कॉमन रूम में पहुंचा, वैसे ही महिला स्टाफ ने उसके पैरों में लड़कों के जूते पहने देख उस पर शक किया और इसकी सूचना कॉलेज प्रबंधन को दी। जाँच करने पर बुरखे में युवक निकला, जिसे तत्काल प्राचार्य कक्ष में लाया गया। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने पर डायल 100 वाहन के द्वारा इस युवक को थाने ले जाया गया। अब पुलिस कॉलेज प्रबंधन की शिकायत के बाद युवक से कड़ी पूछताछ करेगी और कॉलेज में प्रवेश करने का मकसद जानेगी। संदिग्ध युवक को पुलिस द्वारा अपने साथ ले जाए जाने पर जब मीडिया ने युवक से प्रवेश का कारण जाना तो युवक ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं ऐसे ही कॉलेज में आ गया था। सुनो, नाम क्या है? क्या के लिए आए थे यहाँ पर? किससे मिलने आए थे? लड़की से मिलने आए थे आप? नहीं। फिर मतलब मकसद क्या था, बुरखा पहन के क्यों आना पड़ा? कॉलेज प्रबंधन ने अनाधिकृत रूप से युवक के बुरखा पहनकर प्रवेश करने की लिखित शिकायत कोतवाली पुलिस को दी है। इस घटना से सेवा सदन कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया है। बैकफुट पर कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था माकूल है। अगर सुरक्षा व्यवस्था माकूल होती तो बाहरी युवक वह भी बुरखा पहनकर कॉलेज में कैसे प्रवेश करता? फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखिए, इसके बाद एक्शन जैसे लिया, जैसे डॉक्टर शकील सर ने बताया है कि हमारे यहाँ सब इंतजाम बिल्कुल पुख्ता है और जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार कल से हमने कॉलेज स्टार्ट कर दिया 50% क्षमता के साथ। तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड, प्यून, हमारा पूरा टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ एक एक बच्चों की निगरानी करता है, आई कार्ड चेक करता है, है ना, बच्चों की आइडेंटिटी करता है कि उसका एडमिशन है कि नहीं। चूँकि 12वीं वाले बच्चे जो आ रहे हैं तो उनकी भी हम मॉनिटरिंग करते हैं। अब आज ये घटना ये घटी है कि एक बच्चा आ गया है, वो अपना नाम मोहसिन खान बता रहा है वो, और लेडीज़ स्टाफ ने उसको पहचान लिया, जूते के आधार पर उसको पहचान लिया और वो गर्ल्स कॉमन की ओर रूम से उसको बढ़ रहा था। तो ये हमारी जागरूकता का परिचय है कि हमारे स्टाफ ने उसको घर दबोचा और वो चूँकि नकाब निकालने की कोशिश कर रहा था तो हमने उसको नकाब निकालने नहीं दिया और हमारे प्रबंधन ने एक्शन ये लिया कि उसको थाने में हमने पुलिस को सौंप दिया है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट।